जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुखी। आज हम आपके लिए लाए हैं एसिड बेस सॉल्ट पार्ट 7। ठीक है, नया चीज लेके आए हैं क्या? अच्छा चीज। अब तो आप उत्सुक हो गए होइएगा, क्या चीज है कि जैसे हम लोग बच्चा जब थे ना, तो पता चलता था, माँ बोलती थी कि आज मामा आने वाले हैं, समझ गया, बहुत खुश रहते थे, बहुत खुश। मामा आए, टॉफी दिए, फल फूल दिए, बहुत खुश। ठीक है, और शाम में मामा पूछना शुरू किए कि क्या क्या पढ़ा है, समझ गया ना, इसलिए ज़्यादा खुश मत होइए। जो आपके लिए हम लाए हैं वो तो देंगे ही, ठीक है, बाद में पूछना भी होगा, ठीक है, पूछाई भी स्टार्ट होगा। चलिए, जय गणेशाय, जय मां सरस्वती, जय मां बगलामुखी। दिखाई दे रहा है? ठीक, थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा ना। चलिए, आज हम लोगों का पॉइंट है जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड आप कैसे बना सकते हैं, बेस आप कैसे बना सकते हैं, वही प्रिपरेशन मेथड है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन बनाने का है, हाइड्रोजन बनाने का है, सबके लिए है कि नहीं प्रिपरेटरी मेथड, उसी प्रकार से एसिड और बेस बनाने का भी प्रिपरेशन मेथड है, वही आपको हम बताएंगे। किसी में 2-4 होगा, किसी में 10 होगा, क्या उसी के बारे में हम लोग आज आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, जनरल प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, पहले हम किसका लिखते हैं, एसिड्स। ठीक है, अच्छा ऊपर में तो लिखे ही नहीं कि केमा आपका है चैप्टर एसिड्स बेसेज एंड सॉल्ट पार्ट 7 किसके लिए है, क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्लास 10th, जनरल प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, एसिड का प्रिपरेशन कैसे कैसे करना है आपको। गर्मी तो है, कोरोना से ज्यादा गर्मी तबाह करता है। पहला है आपका, दिखाई दे रहा है उधर से कि नहीं, तो देखो, हाँ, बाय सिंथेसिस या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, या कह सकता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, हाँ, किसके लिए, फॉर हाइड्रा एसिड एंड बाइनरी एसिड्स, हाइड्रा एसिड्स एंड बाइनरी एसिड्स, वहीं तक ले जाते हैं क्या। इसका क्या एग्जाम्पल दीजिएगा, H2 प्लस Cl2 सनलाइट, ऊपर में हम लिख देते हैं क्या, सनलाइट, तो क्या बना लेता है आपका, 2HCl, एक एसिड बन गया आपका, नहीं बन गया, एक एसिड बन के तैयार। और एग्जाम्पल ले लीजिए, H2 प्लस Br2, ये बना लेगा आपका क्या, 2HBr, क्या बना लेगा, 2HBr, ये कैसे, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसमें लिख दीजिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, दूसरा
H2+I2, ठीक है, 2HI, ये क्या हो गया 2HI, यहाँ पर सीधा हम लिख देते हैं वेपर, क्या लिख देते हैं वेपर, वाष्प हो गया, ठीक है, सब दिखाई भी दे रहा है आपको। चलिए अब आ जाते हैं दूसरा मेथड, दूसरा मेथड आ जाएगा, दूसरा मेथड क्या है मेरा, बाय द रिएक्शन ऑफ, बाय द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक, या और लिख दिए एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स विथ किसके साथ, वाटर के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेरा क्या बनेगा, एसिड बनेगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एग्जांपल में क्या ले लें आपको, इसका रिएक्शन भी लिख दीजिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ क्या मिला रहे हैं आप, वाटर, क्या मिला रहे हैं वाटर, तो आपका क्या बन रहा है, एसिड्स बन रहा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे ले लीजिए SO3 प्लस वाटर क्या H2O, अब बताओ तो क्या बनेगा, सबको पता है H2SO4, दूसरा ले लो P2O5, हाँ पेंटा ऑक्साइड, नहीं इसके साथ वाटर मिलेगा कितना 3H2, कितना 3H2, तो क्या बना लेगा 2H3PO4, देख रहा है सारा रिएक्शन आ रहा है, सो देख रहा है ना, इसीलिए केमिकल रिएक्शन में कहे थे, याद पड़ रहा है आप दिन। उसके बाद आ जाओ N2O5, इसमें भी वाटर से रिएक्शन करवाओ H2O, क्या बनाएगा 2HNO3, हो गया मेरा भी पेज खत्म, यहाँ नहीं दिखा दे रहा होगा, N2O5+H2O = 2HNO3, ठीक है। चल अब हम आ जाते हैं, दो प्रकार से आप एसिड बना लिए, अब तीसरा प्रकार से एसिड कैसे बनाइएगा, सोचिए तीसरे प्रकार से आप एसिड कैसे बनाएंगे, तीसरा प्रकार से लिखिए, बाय द ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल्स विथ ऑक्सी एसिड्स, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सी एसिड्स, देखिए ऑक्सीडेशन आप जानते हैं, नॉन मेटल आप जानते हैं, और ऑक्सी एसिड भी आप जानते हैं, तीनों पॉइंट जानते हैं, यदि सही से जानते हैं, ईमानदारी से जानते हैं, तो आप बना सकते हैं। इसका भी रिएक्शन लिख दीजिए, टाइप नॉन मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू एसिड प्लस वाटर प्लस ऑक्साइड, एसिड प्लस वाटर प्लस ऑक्साइड, एसिड प्लस वाटर प्लस ऑक्साइड, ठीक है दिखाई दे रहा, ठीक। एग्जांपल ले लो S+6HNO3, हीट का साइन क्या क्या बनाएगा, H2SO4 प्लस क्या H2O
और क्या NO2, ये हो जाएगा 6NO2 और ये हो जाएगा 2H2O, यानी S प्लस 6HNO3 H2SO4 प्लस 2H2O प्लस 6NO2, ये भी रिएक्शन आप लोग केमिकल रिएक्शन में बनाए थे। अब आ जाइए चौथा पॉइंट, बाय द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ सॉल्ट by the displacement of salt of more volatile acid, volatile acid भी पढ़े हैं आप, volatile acids with less volatile acid, less volatile acids। अब पता चला हाँ, वोलेटिलिटी के आधार पर आप एसिड को बांटे थे कि नहीं बांटे थे, हाँ तो वही मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल को मिला। जैसे अब लिख लीजिए साथ साथ क्या है, सॉल्ट, सॉल्ट प्लस लेस वोलेटाइल एसिड्स क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस मोर, उधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, मोर यहां लिख देते हैं वोलेटाइल, वोलेटाइल एसिड्स हो गया। इसका एग्जांपल ले लीजिए NaCl लेस वोलेटाइल एसिड, याद कर लिए क्या होगा H2SO4, क्या होगा H2SO4। अब इसे एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट अभी आप नहीं पढ़े हैं, ये आप कह सकते हैं क्या, सॉल्ट NaHSO4, NaHSO4 और क्या बन जाएगा, एसिड निकलेगा, कौन एसिड निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा आ जाइए NaNO3 प्लस H2SO4, यहां भी डेल्टा का साइन, यहां भी डेल्टा का साइन, NaHSO4 प्लस क्या निकलेगा HNO3। अब आ जाइए पांचवा में, पांचवा नहीं आप रहने दीजिए चार, ये आपका था जनरल प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, इस सारा याद रखिए, जितना याद रखिएगा उतना आपको कंपटीशन में अच्छा है, ओलंपियाड में, किसी भी कंपटीशन में, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेस, लिख लिया, चलो प्रिपरेशन ऑफ बेस, जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ बेसिस, पाला बाय the action of water, कहां पर एक्शन देना है, मेटल, ऑन मेटल, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स, ठीक है। वाटर को मेटल के साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बेस। एसिड में क्या देखे थे, नॉन मेटल, एसिड में क्या देखे थे, नॉन मेटल। अब आ जाइए, ये सब तो आप अपने दिमाग लगाते जाइएगा क्या,
तो ये कब आएगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी कीजिएगा, कम से कम झूठ बोलिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाइएगा, कम से कम बाहर का खाना खाइएगा, तब ये सब आपसे आप आता जाएगा। ठीक, अब इसका एग्जांपल लेना होगा हमको। पहले तो रिएक्शन सेटअप कर दीजिए, वाटर प्लस मेटल बेस या एल्केली प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस इसमें बाहर निकलेगा, ठीक है। और वाटर भी कैसा, वाटर भी कैसा, गर्म नहीं, वाटर कैसा, ठंडा वाटर, वाटर कैसा, कोल्ड वाटर, ठीक है। अब इसका रिएक्शन लिखिए, 2H2O दिखाई दे रहा, 2H2O प्लस 2NA, 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, ठीक है। अब आ जाइए आप दूसरा एग्जांपल में, H2O दूसरा एग्जांपल है आपका, H2O प्लस Mg, बताइए क्या बनेगा, MgO प्लस H2। अब याद पड़ रहा है कि सारा रिएक्शन आप पढ़े हुए हैं ना। चलिए तीसरा में आ जाइए, ये जो H2O है आपका, ये स्टीम है, ये क्या है, स्टीम से ले। अब अगला ले लीजिए आप, हाँ अगला क्या लीजिएगा, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अब आयरन ले लीजिए, 4H2O प्लस 3Fe, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन आप पढ़े थे ना, Fe3O4 और प्लस कितना, 4H2 हो गया। ये जो वहाँ 4H2O है, ये भी आपका क्या है, स्टीम, क्या है, स्टीम हो गया। अब आ जाइए दूसरा मेथड, आ जाएगा इसमें, हाँ आ जाएगा, चलो दूसरा मेथड में आ जाए। बाय द टाइम कितना हुआ जी, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बना लेगा, मेटेलिक ऑक्साइड, क्या बना लिया, मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल ले लो, क्या लिया, ऑक्सीजन लिया और मेटल लिया, तो मेटल हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, 2Mg प्लस O2, 2MgO, आयरन ले लो 4Fe प्लस 3O2, क्या बन जाएगा, 2Fe3O2 हो गया, दो, बस इसमें दो ही रहने देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा मेथड में, ठीक है, गर्मी है बहुत, गर्मी जो है ना, तीसरा में आ जा, तीसरा तो हो गया, हाँ अब आ जाइए चौथा, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट, बाय डी डी कंपोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स,
मेटल कार्बोनेट्स। तो इसका भी रिएक्शन लिख दीजिए, टाइप मेटल कार्बोनेट्स क्या बना लेगा, बेसिक ऑक्साइड, क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड्स प्लस कार्बन, दिखाई दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, मेटल कार्बोनेट याद कीजिए, मेटल कार्बोनेट क्या होगा, जैसे जिंक कार्बोन ZnCO3, गर्म किए क्या बन गया, ZnO प्लस CO2 CuCO3 CuO प्लस CO2। अब आ जाइए पांचवा, यूजिंग सोलेबल मेटल सॉल्ट, यूजिंग सोलेबल मेटल सॉल्ट एंड NaOH या KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसका भी स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सॉल्युबल मेटल सॉल्ट प्लस NaOH या KOH, क्या बना लेगा, सॉल्ट प्लस इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड कहाँ से बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, क्या लेना, सोलेबल मेटल सॉल्ट, याद कीजिए कोई सोलेबल मेटल सॉल्ट क्या होगा, ये सब तो आपको याद रखना होगा ना, जैसे AlCl3, जैसे AlCl3 प्लस 3NaOH क्या बना लेगा, 3NaCl और क्या बचेगा, AlOH थ्राइस, निकल गया बाहर, ठीक है। दूसरा आ जाइए, ZnNO3 ट्वाइस प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, 2KOH, साफ साफ है, हाँ 2KOH, ठीक है। तो क्या बनाएगा, ZnNO3 ट्वाइस, ZnNO3 ट्वाइस प्लस क्या, 2KOH, 2KNO3 प्लस ZnOH ट्वाइस, ये किसका साइन है, नीचे एरो प्रिसिपिटेट का साइन हो गया। अब आ जाइए आप छठा पॉइंट, मेटल नाइट्रेट को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, खूब गर्म करते हैं, मेटल नाइट्रेट को खूब गर्म किया जाएगा, क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ मेटल नाइट्रेट, छठा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ मेटल नाइट्रेट्स, हाँ इसका भी आप ले लीजिए स्ट्रक्चर, क्या लीजिएगा स्ट्रक्चर, कि मेटल नाइट्रेट्स स्ट्रॉन्ग हीट किए क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड्स प्लस, और सोचिए तो क्या बनाएगा, NO2 प्लस क्या, O2 गैस इसमें निकल जाएगा, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर हुआ, अब इस पर एक दो रिएक्शन लिखिएगा,
क्या लिखेगा रिएक्शन? मेटल नाइट्रेट्स स्ट्रॉन्ग हीटिंग ना, यहाँ हीट का साइन दे दीजिए, 2Ca, 2Ca NO3 twice, 2CaO plus 4, क्या बनेगा NO2, 4NO2, और क्या निकलेगा? तो O2 गैस बाहर, O2 बाहर, एक और ले लीजिए, 2ZnNO3 twice, हाँ, strong heating, 2ZnO, 2ZnO plus 4NO2 plus O2 गैस बाहर, क्या हो गया? अच्छी सिक्स, एक और आ सकता है लेकिन हम ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है? चलो तुम लोग लिख के क्लियर करो। चलिए सेवन नंबर, सेवेंथ मेथड क्या है आपका, सो देखिए, मेटल सल्फाइड डी के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है? मेटल सल्फाइड के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दीजिएगा तो आपको एसिड मिल जाएगा। सातवां है, सातवां आपका क्या है? क्या बोले हैं हम? बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन, इसको साफे कर दिया जाए, क्या मेटल सल्फाइड, ये तो हो गया मेटल सल्फाइड है ना, साफे करो इसको, मेटल नाइट्रेट तो हो गया, अब है आपका मेटल सल्फाइड, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड्स। अब इसका एग्जांपल लीजिए, पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए आप, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? मेटल सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स प्लस ऑक्सीजन, चलो बिजली चली गई थी, ठीक है, लेकिन तुम्हारा काम होगा, ठीक है? कैसे होगा सो देखो, काम रुकेगा नहीं, देखो मोबाइल के लाइट से इसको लिखेंगे, तुमको दिखाएंगे, मेटल सल्फाइड है प्लस ऑक्सीजन लिखे थे, बिजली चली गई थी, क्या हो गया? मेटल सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन क्या बना लेगा, दिखा देगा? मेटल ऑक्साइड क्या बना लेगा, यहाँ लिखते हैं मेटल, दिखाई दे रहा है ना तुमको? हाँ ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, देखो आ गई बिजली, आ गई, चलो इसीलिए किसी काम में जो है ना बाधा आएगा लेकिन रुको नहीं, देखे हम नहीं रुके तो बिजली आ गई कि नहीं, रुको नहीं, अच्छा काम करेगा बाधा आते रहे। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हम यहाँ छोड़ सकते थे, सिक्स मेथड हो गया था, हम यहाँ छोड़ सकते थे लेकिन नहीं, क्यों छोड़े? अब एग्जांपल ले लो, 2ZnS plus 3O2, 2ZnO plus 2SO2, एक और ले लो, 2Cu2S plus 3O2, 2Cu2O plus 2
एसुड। अब आ जाओ आठवां में, ठीक है, आठवां मेथड डिसोल्यूशन ऑफ NH3, डिसोल्यूशन ऑफ NH3 इन वाटर, इन वाटर। इसका भी स्ट्रक्चर ले लो, चाहे सीधा लिख दो NH3 प्लस H2O एंड H4OH वीक एल्केली। क्या हो गया? वीक एल्केली है ना, ही NH3 है। अब हमको तो टाइम हो गया ज़्यादा, तब हमको जो पूछना था, क्वेश्चन देना था, वो तो नहीं हुआ क्या? चलो कोई बात नहीं। जय मां मंगलामुखी।